खबर भी गोद से। मांडलगढ़ उपखंड क्षेत्र के राजकीय महाराणा उच्च माध्यमिक विद्यालय मांडलगढ़ में अभियान के तहत 15 से 18 वर्ष के किशोरों का कोविड-19 टीकाकरण किया जा रहा है, जिसमें विद्यालय के बालक बालिकाओं ने साहस की पराकाष्ठा, उम्मीद की किरण है। देश की हेल्थ आर्मी देश का अभियान है के तहत चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गोपाल यादव के निर्देशन में वैक्सीन लगाई गई। कहा है कि टीकाकरण है, जिनको अभी तक वैक्सीनेशन की डोज नहीं लगी उनको अनिवार्य रूप से डोज लगाई जाए। इस संदर्भ में महाराणा स्कूल मांडलगढ़ में 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए टीके लगाए गए। बताया है कि वैक्सीनेशन से बच्चे बेहद खुश हैं। बच्चों का कहना है कि कोविड-19 का टीका लगवाकर अब वे खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। विद्यालय वैक्सीनेशन प्रभारी मोहिनी चौधरी ने बताया कि बच्चों का टीकाकरण करने से विद्यालय में सेंटर लगाया गया। सेंटर पर सभी के द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन भी किया गया। पिछले 3 दिनों में 150 बालक बालिकाओं को सेकेंड डोज लगाई जा चुकी है। वैक्सीनेटर इरफान खान कायम खानी कोविड हेल्थ सहायक गोविंद धोबी उमा शंकर गायत्री रैगर द्वारा टीकाकरण किया गया। डॉक्टर गोपाल यादव ने अपील की योग्य लाभार्थी व बच्चों को फर्स्ट डोज के और सेकेंड डोज लगाई गई जाए जा रही है। अभिभावक 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे बच्चियों के वैक्सीनेशन डोज लगवाएं।